किया था, जीरोस फाइंड आउट की थी और उन जीरोस का रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा दो चीजें दी थी, एक्सरसाइज 2.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इनटू इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और फिर सेकेंड आपने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था, यही आपको सेकेंड क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फिर आप सेकेंड क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है एंड इच विद द गिवन नंबर एज द सम इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। और आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, उसके बिहाफ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है। ठीक है, पहले बेटा आपको क्या दिया होता था, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होता था और आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से करना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आपको सेकेंड क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। क्लियर टू यू? तो देखिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। गिवन टू यू सम ऑफ जीरोस, यू नो वेरी वेल सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, माइनस बी बाय एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। क्लियर, ये आपको गिवन है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या गिवन है, दिस इज सी बाय ए। ठीक है, और सी बाय ए लिखा हुआ है तो इसे मैं क्या लिखूंगी बेटा, इट इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हो गया आपको इतना? तो देखिए हमें यहाँ से ए बी सी, ठीक है, तीन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ए बी सी तीन वैल्यूज को फाइंड किस तरीके से करेंगे हम, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू माइनस 1, ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 है। इसके डिनोमिनेटर में बेटा कुछ नहीं दिया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया वहां पे 1 होता है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ से कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे एक ही पॉलीनोमियल, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात की गई है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 4 दी गई है तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगी, 4 ही होगी। देन इट कैन बी रिटन एज माइनस 1, इट इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, लेकिन यहाँ जब मैंने डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर में भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ताकि कैंसिल आउट करने के बाद दोबारा से क्या आ जाए, माइनस 1 आ जाए। ठीक है, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, इन 4 से ही आपने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया बेटा, माइनस 4 इट इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे सी डिवाइडेड बाय ए इट इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से बेटा कंपैरिजन करते हैं, माइनस बी इट इज इक्वल टू 1 आ गया, और बी की यदि मैं बात करूँ तो बेटा कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू बेटा देखिए तो कितनी है, माइनस 4 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
polynomial क्या होता है? A x square plus b x plus c, ठीक है? ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तभी स्टार्टिंग में बता दिया था. अब देखिए a x square, that means a की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है जो आपने फाइंड की है, ठीक है? तो यहाँ से मैं देखती हूँ a की वैल्यू बेटा कितनी आई थी मेरे पास, 4 आई थी. that means it can be written as 4 x square plus b x. b x कितना है मेरा, b की वैल्यू बेटा minus 1, it is multiplied by x plus c. c की वैल्यू कितनी है बेटा, minus 4 है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया minus 4, ठीक है? तो यहाँ आप देखते हैं 4 x square प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो इसे लिख दीजिए माइनस वन. आप साथ में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहां से भी देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया. आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बेटा कितना आ गया, यहां से 4x² माइनस x माइनस 4. क्लियर टू यू? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, सभी की सभी पार्ट बेटा सेम एज इट इज हैं. आप एक पार्ट को ध्यान से करेंगे तो हल्के हल्के वेरिएशंस आएंगी अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर. फॉर्मूला सभी में एक ही रहेगा. कंप्लीट एक्सरसाइज में जस्ट आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या, माइनस बी बाय ए, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है? देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैसे c बाय a होता है और आपको कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है आपको इतना? ओके, अब देखिए यहाँ से बेटा मैं कंपैरिजन करती हूँ. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है? और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट 2 को 3 से डिवाइड किया एंड 3 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होने पर दोबारा से क्या आ जाता है, अंडर रूट 2 ही आ जाता है. तो यहां से देखते हैं ये क्या लिखा जा सकता है, 3 अंडर रूट 2 इट इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? अब मैं जब कंपैरिजन करूंगी तो देखिए b बाय a it is equal to 3 and root 2 divided by 3. That means b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 and root 2 है. और यहाँ देखिए minus b, minus b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू कितनी है, 3 है. minus b क्या लिखा जा सकता है, minus b it is equal to 3 and root 2 and b it is equal to minus 3 and root 2. ये आ गई बेटा b की वैल्यू, ठीक है? कंपेयर किया तो यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है. और यहाँ से हम देखें बेटा तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. अब आपके पास 3 वैल्यूज हैं a b एंड c, ठीक है? और आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है तो लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एस. क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? तो ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 3 आई है, तो 3 एक्स स्क्वायर. बी की वैल्यू माइनस 3 अंडर रूट 2 है, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3 इट इज मल्टीप्लाई बाय एक्स. एंड सी की वैल्यू 1 है तो 1 ही राइट डाउन करें आप, ठीक है? हो गया इतना क्लियर. उसके बाद देखिए 3 एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 3 अंडर रूट 2 प्लस 1. हो गया इतना क्लियर है आपको, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट.
यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखिए यहां हम देखेंगे बेटा ए की वैल्यू यहां भी नहीं गिवन, यहां भी नहीं गिवन, तो यहां पर 1 किया। डिनोमिनेटर में बेटा 1 लिख दे जीरो के तो भी वो जीरो ही होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे यहां से कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, ठीक है। ऐसे कंपेयर किया मैंने माइनस बी इट इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू को देखते हैं बाय कंपैरिजन, यहां से देखा सी के इक्वल क्या है, रूट 5 है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर दैट मींस 1 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जस्ट ओनली एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू 0 है इसलिए बी की टर्म क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, क्योंकि 0 की जब किसी के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो वह क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, प्लस एंड रूट 5, ठीक है। ये आपकी यहां से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यही आपको फाइंड करनी थी। अब उसके बाद फोर पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए गिवन टू इट इज इक्वल टू 1, 1 गिवन है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, सी बाय इट इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कंपैरिजन करते हैं फिर से, डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आप 1 लिख दीजिए, यहाँ से मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, माइनस बी बेटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, माइनस 1 हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1, क्लियर हो गया। आफ्टर कंपैरिजन हमने इन वैल्यूज को फाइंड किया है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए की वैल्यू बेटा माइनस 1 है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 माइनस 1 है इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसलिए ये माइनस एक्स प्लस सी प्लस 1 हो गया। क्लियर है आपको इतना, ओके। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, जस्ट आपको इन क्वेश्चंस में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या है, माइनस 1/4 एंड 1/4, ये आपको गिवन है। तो देखिए लिखिए यहां से बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो यहां से लिखिए माइनस बी बाय ए, ये हो गया यहां से, ठीक है। अब देखिए फिर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए होता है, ठीक है। सी बाय ए ये हो गया 1/4। अब कंपैरिजन करेंगे, देखिए बेटा ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए कितना हो गया मेरा
4 हो गया, माइनस पी बेटा माइनस 1 के इक्वल है। देखो इससे कंपैरिजन किया मैंने, यहां से a की वैल्यू यहां से देखी मैंने, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, क्लियर। और अब यहां से हम देखें तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू आपको गिवन है और c की वैल्यू आपको गिवन है। तीन वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपको पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एस। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, याद हो गया होगा आपको, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो ax स्क्वायर की यदि मैं बात करूं, a की वैल्यू बेटा कितनी है, यहां से 4 है, तो लिखिए 4x स्क्वायर प्लस b की बेटा वैल्यू 1 है, 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x लिख दिया मैंने डायरेक्टली और c की वैल्यू भी बेटा 1 है, तो आप यहां से 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, क्लियर है आपको इतना। अब लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मेरा क्या है बेटा, ये मेरा सिक्स पार्ट 4n1 गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वाला बेटा आपको सम ऑफ जीरोस बोला गया है, इन सेकंड वाला क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला गया है। तो देखिए लिख देते हैं हम यहां पर जो इसने हमें दिया है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बोलिए, माइनस b / a होता है, तो लिखिए माइनस b / a इट इज इक्वल टू 4। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c / a होता है, तो लिखिए यहां से c / a दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से डिनोमिनेटर किसी का भी नहीं गिवन, तो हम यहां पर दोनों तरफ 1 लिख देंगे। अब कंपैरिजन से वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम a की वैल्यू को देखेंगे, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आई, 1 आ गई। फिर बेटा b की वैल्यू को कंपेयर कीजिए, माइनस b किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो लिख दीजिए माइनस b इट इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4, क्लियर टू यू, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा यहां से c की वैल्यू, c की वैल्यू बेटा आफ्टर कंपैरिजन देखिए यहां से आप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तीन वैल्यूज की आपको रिक्वायरमेंट थी, तीनों वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। a x स्क्वायर का मतलब क्या है, ओनली x स्क्वायर, यहां से मैं देखूं तो माइनस 4x एंड c की वैल्यू बेटा 1 है, ठीक है। आपके 6 पार्ट इसमें थे, 6 के 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन से आप ध्यान से करना, ठीक है, और आपको दो ही फॉर्मूले इसमें याद करने हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज इक्वल टू सी बाय ए, क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज है बेटा, वो 2.3 एक्सरसाइज वैसे डिवीजन जो मेथड है अलजेब्रिक डिवीजन है वो आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, तो वो आपके लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं उसको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी ताकि आपको यदि कोई पॉइंट मिस है या कुछ क्लियर नहीं है तो आप उसे अच्छे से कर सकें। अब देखिए स्टार्ट करते हैं 2.3 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलीनोमियल px, px पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है बाय द पॉलीनोमियल gx, gx पॉलीनोमियल से
minus 3x square plus 5x minus 3. ठीक है, and gx is given to you x square minus 2. ठीक है, देखिए px को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है. तो लिखते हैं हम यहां पर डिवीजन, स्टार्ट करते हैं x cube 3x square plus 5x minus 3. ठीक है, ये डिवाइड किससे करना है, x square minus 2 से डिवाइड करना है. तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म का बेटा कोशेंट निकालते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, यहां पर x cube है, x cube को डिवाइड करना है x square से. ठीक है, तो यहां पे लिखिए कोशेंट ऑफ फर्स्ट टर्म. फर्स्ट में किसको किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करना है. दैट मींस x क्यूब इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. बेटा दो पावर यहां पर है, तीन पावर यहां पर है, कैंसिल करेंगे तो दो पावर यहां से चले जाएंगे और x की पावर सिर्फ एक बचेगी. ये हमारा फर्स्ट टर्म के लिए कोशेंट आ गया, तो कोशेंट की जगह पर लिख दीजिए, ये मैंने यहाँ पर x लिख दिया. अब x की मल्टीप्लिकेशन बेटा इस कंप्लीट से आपको करनी है. x की मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट वाले से करती हूँ, तो क्या हो गई मेरी x क्यूब हो गई. अब x की मल्टीप्लिकेशन माइनस टू से करती हूँ, तो कितनी हो जाएगी, माइनस टू एक्स. माइनस टू एक्स को बेटा मैं यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पर पावर स्फीयर में है. ठीक है, और मुझे जो जैसी पावर है, वन पावर है तो वन के नीचे ही लिखनी है, इसलिए टू एक्स को कहाँ लिखूंगी, इसके नीचे लिखूंगी. ठीक है, क्यों लिखूंगी, क्योंकि ये इस जैसी पावर का है. ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब यहाँ से मैं सोल्व करती हूँ तो ये माइनस में हो गया कैंसर, ये प्लस में हो गया. ठीक है, इस निशान को आपको नेग्लेक्ट करना है. क्लियर टू यू, तो देखिए ये यहाँ से कितना बचा, माइनस 3x square 5x plus 2x कितना हो गया बेटा, 7x and minus 3 is as it is. ठीक है, अब सेकेंड टर्म के लिए क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. ये आपका फर्स्ट है, अब कोशेंट ऑफ सेकेंड टर्म. देखिए सेकेंड टर्म यहां पर क्या है बेटा, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से करना है. तो यहां हम लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहां हमारा कितना बचा, माइनस 3 बच गया. अब माइनस 3 जो बच गया उसको क्वेश्चन में लिख दीजिए. अब देखिए बेटा जस्ट ओनली माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है इस कंप्लीट के साथ, तो माइनस 3 की बेटा x स्क्वायर से की 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से की, तो 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 6 बेटा यहां लिखा जाएगा, नंबर के नीचे नंबर लिखा जाएगा, 6 यहां नहीं लिखा जा सकता. क्लियर टू यू, उसके बाद माइनस वाला बेटा प्लस हो गया इसलिए ये कैंसिल हो गया, यहां से ये माइनस हो गया, इस निशान को अब आप भूल जाए. 7x मैंने एज इट इज उतार लिया. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस 3 एंड माइनस 6 कितना होता है, माइनस 9 होता है. तो राइट डाउन कर दीजिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना था. देखिए बच्चे ये आपका कोशेंट और ये आपका रिमाइंडर आ गया है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक. अब उसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं डिवीजन का. देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट बेटा क्या कहता है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस
4x plus 5 और gx की यदि मैं बात करूं तो x square plus 1 minus x, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को करें, डिवीजन वाले क्वेश्चन को आप जब भी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे 4 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर, ठीक है। और यहाँ से मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये पावर ढंग से नहीं लिखी गई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आगे पीछे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपका जी एक्स ये है, अब आपको डिविजन करनी है तो डिविजन स्टार्ट करते हैं। बेटा ये डिवीजन आप खुद ट्राई करके देखना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और डिवीजन खुद ट्राई करके देखना, फिर उसके बाद जब एरर आए तो दोबारा से प्ले करके सब क्लियर करना अपना कि कहाँ एरर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोशेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, एक्स की पावर 4 है और यहाँ से कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो लिखिए एक्स 4 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, देखिए 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से और कितनी बची बेटा, 2 पावर बच गई। फर्स्ट टर्म तो बेटा ये कोशेंट है, तो कोशेंट को कोशेंट की जगह लिखेंगे कितना है भाई, एक्स स्क्वायर है। अब इस x square की जब भी आप जो भी कोशेंट लिखते हैं उसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, तो x square की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करेंगे, x square की मल्टीप्लाई x square से की, x की पावर 4 हो गई, x square की मल्टीप्लाई माइनस x से की, तो ये कितना हो गया, माइनस x cube हो गया, क्योंकि आधार एक जैसे हो तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। एक पावर इसकी, दो पावर इसकी, कितनी पावर हो गई, 3 पावर हो गई, 3 पावर को तो बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए इसे मैं क्या लिखूंगी, माइनस एक्स क्यूब मैंने अलग से लिख दिया, इनमें से किसी के नीचे लिखा ही नहीं जा सकता क्योंकि इस जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ की, तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम देखते हैं ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी, इसलिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर को आपको लिखना होगा और हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, एक्स क्यूब है, तो मैं एक्स क्यूब को बेटा सबसे आगे लिख देती हूँ, देन आफ्टर बाकी के पार्ट को लिखूंगी। माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है, कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए माइनस 4x स्क्वायर, 4x बेटा एज इट इज एंड प्लस 5 इज ऑल्सो एज इट इज। अब देखिए सम हम निकालेंगे कोशेंट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी है हमारी, x क्यूब है, x क्यूब को डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर से। बेटा 3 पावर ऊपर, 2 पावर नीचे, 2 पावर ये कैंसिल कर देंगे, कितनी पावर बचेंगी, जस्ट ओनली 1 पावर, तो यहाँ पर लिख दीजिए x, ठीक है। कोशेंट x आया है तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब x की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से कर लेंगे तो x इज मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, क्या हो गया ये, x क्यूब हो गया, x इज मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया, x की मल्टीप्लाई 1 से की, तो ये हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर है और प्लस का 1x स्क्वायर है, माइनस का 4 प्लस का 1 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 3x स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x कैंसिल हो गया, कितना बचा, प्लस 3x बच गया, लिख दीजिए प्लस 3x
प्लस फाइव, ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म के लिए कोशेंट निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या है आपकी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये इससे कैंसल, यहाँ से कितना आया बेटा माइनस थ्री आ गया, तो लिखिए यहाँ पर माइनस थ्री। अब देखें माइनस थ्री की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है, इस कंप्लीट से करनी है, तो माइनस थ्री इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री की गुणा इसके साथ की तो यहाँ पर ये आ गया प्लस थ्री एक्स, और यहाँ से हम देखें तो माइनस थ्री इज मल्टीप्लाई बाय प्लस वन, ये कितना हो गया माइनस थ्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस हुआ बेटा कैंसिल, ये माइनस हुआ इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, और ये प्लस हो गया तो फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका रिमाइंडर जो है वो एट आ गया, और जो आपका कोशेंट है वो कितना आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री आ गया। क्लियर है आपको। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सिमिलरली में आप ट्राई करके देखना, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम उन्हें भी करेंगे। ओके okay?